नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम कुछ नया नाश्ता ट्राई करते हैं। आज मैं एक जैन रेसिपी बनाने जा रही हूँ, बनाना बन बाइट्स। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में भी टेस्टी है। चलिए बनाना शुरू करें। इसके लिए हमें चाहिए बॉईल किया हुआ एक गाजर, थोड़े से मटर और 3 कच्चा केला। आप चाहे तो कच्चे केले की जगह पर आलू भी ले सकते हैं। हम इसे स्मैश कर लेते हैं। अच्छे से स्मैश हो चुका है, अब हम इसमें मसाले कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने अक्खा धनिया और वरियाली का पाउडर लिया है, इससे टेस्ट एकदम बढ़िया आता है। थोड़ा सा गरम मसाला, आमचूर पाउडर, जिंजर चिली पेस्ट और थोड़ा सा धनिया लिया है मैंने। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं, इसे हम बाद में मिक्स करेंगे। ये बन बाइट रेसिपी है तो पहले हम बन ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 हॉट डॉग बन लिए हैं। अब हमें इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। ये हमारे छोटे पीसेस बनकर तैयार हैं। अब हम इसे बीच में से कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कटर लेकर कट किया, आप चाहे तो कोई भी छोटी सी वाटी या किसी से भी कट कर सकते हो। इसी तरह से हमने सभी में से बीच वाला हिस्सा निकाल कर तैयार कर लिया है। बन हमारे कट कर तैयार है। अब ये जो बचा हुआ बन है उसे हम मिक्सर में क्रश कर लेते हैं। क्रश किए हुए बन को हमने बनाए हुए मिक्सचर में डाल देते हैं ताकि हमारा स्टफिंग एकदम से अच्छे से बन जाए। अब हम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से बचे हुए बन वेस्ट भी नहीं होते हैं और क्रश करके डालने से हमारी रेसिपी भी एकदम क्रिस्पी बन जाती है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है दोस्तों। यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप नहीं आया है, पर इतना भी कुछ मिस नहीं हुआ है। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। इट इसको जैसे हम शेप देते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें छोटे छोटे बॉल को बन रिंग में डाल के शेप दे देना है और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारे बन तैयार है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो और चाहे तो सेलो फ्राई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेलो फ्राई कर रही हूँ। सेलो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ से 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर हम कॉर्न फ्लोर लेंगे। बन बाइट्स के दोनों ही साइड हम हल्का हल्का सा ही कॉर्न फ्लोर लगाएंगे। कॉर्न फ्लोर लगाने से ये एकदम से क्रिस्पी भी बनता है और लुक भी अच्छा आता है। इसे हम धीमी आंच पर ही गोल्डन होने तक सेलो फ्राई करेंगे। हमारा एक साइड से बनकर तैयार है। अब हम इसे पलट देंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छे से कलर आ गया है और क्रिस्पी भी बन गया है। अब ये हमारा एक साइड बनकर तैयार है तो अब हम इसे पलट देते हैं। आप देख सकते हो ये एकदम से क्रिस्पी बन गया है। के बाद फिर से हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि दूसरी साइड भी हमारी क्रिस्पी बन जाए। अब ये हमारा बनाना बन बाइट्स बन चुका है।
तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी के सारे फन बाइट्स बना लेते हैं। तो देखा दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। अब हमारे सारे बनाना बंस बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये जॉइंट रेसिपी है तो मैंने यहाँ पर जॉइंट सॉस लिया है। आप इसे ग्रीन चटनी और मिर्ची चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। कोई छोटा सा गेट टुगेदर हो फैमिली और फ्रेंड के साथ आप पार्टी मना रहे हो तो आप ये जरूर ट्राई कीजिए। और ऐसे तो आप कभी भी बना सकते हो। रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।